ये है गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, जिसे लोग मीठा रीठा साहिब भी बुलाते हैं, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। रीठा साहिब गुरुद्वारा फेमस है सिखों के पहले गुरु गुरु श्री नानक देव जी के। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़, और दूसरी है पंत नगर इन नैनीताल। पिथौरागढ़ सिर्फ 4 घंटे दूर है और वहाँ के फ्लाइट बहुत कम है। नैनीताल से फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी है और गुरुद्वारा करीबन 6.5 घंटे दूर। बाय ट्रेन नियरेस्ट स्टेशन है टनकपुर, जो गुरुद्वारे से 6.5 घंटे की ड्राइव है। रीठा साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड है चंपावत के पहाड़ों पे, और पहाड़ चढ़ने के 2 रास्ते हैं। नीचे अगर आप उत्तर प्रदेश के साइड से आ रहे हो तो सूखी डांग माउंटेन पॉइंट से आप लेफ्ट ले लो। ये वाली रोड बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। अगर आप ऊपर उत्तराखंड साइड से एंटर कर रहे हो तो आप लोहाघाट से स्टार्ट करो। ये वाला रास्ता बहुत स्मूथ है। इनफैक्ट अगर आप यूपी साइड से भी आ रहे हो और अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा इन खूबसूरत वादियों में चला सकते हो तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उत्तराखंड वाली रोड से ही पहाड़ चढ़ें। रीठा साहिब गुरुद्वारे हम लोग पहुंचने वाले हैं, और मेन रोड से करीबन 2.5 से 3 घंटे लगे हमें अंदर पहाड़ों में ड्राइव करते करते, तब जाके हम अभी रीठा साहिब गुरुद्वारे के थोड़े नजदीक पहुंचे हैं। और ये है उत्तराखंड का फेमस गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। सवेरे 3:30 से 4 बजे के बीच में अमृत वेला पाठ शुरू हो जाती है, और यहाँ शाम की आखिरी पाठ होती है करीबन 7 से 8 के बीच। गुरुद्वारा रीठा साहिब रिलेटेड है सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी से। गुरु जी को 28 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने देश और विदेशों में भ्रमण करना शुरू किया और अपने उपदेशों से विश्व का उद्धार किया। इस क्रम में गुरु नानक देव जी चंपावत पहुंचे अपने चेले बाला और मर्दाना जी के साथ। उस समय वहां पर सिद्धों के गुरु ढेरनाथ अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। गुरु नानक देव जी और ढेरनाथ के बीच आध्यात्मिक वार्तालाप हो रही थी जब मर्दाना जी को भूख लगी। गुरु नानक देव जी ने रीठी को छूकर कहा कि वो उसे खा ले। जो रीठा फल इतना कड़वा होता है वो मीठा हो गया। उसके बाद उस पेड़ पर सारे रीठे मीठे होने लगे, और वही रीठा आज प्रसाद के रूप में संगत को दिया जाता है। रीठे का वो पेड़ आज भी गुरुद्वारा में स्थित है। गुरुद्वारे के इस सेक्शन से आप मीठा रीठा का प्रसाद चख सकते हैं। खाने में आपको स्वादिष्ट वेजिटेरियन लंगर मिलेगा, और रहने के लिए यहाँ आपको अटैच वॉशरूम वाला कमरा भी मिल जाएगा, बट उसके लिए यहाँ आके आपको गुरुद्वारा कमेटी से बात करनी होगी। इन रिटर्न आप यहाँ किचन में या क्लीनिंग में हेल्प कर सकते हैं। अभी तक मैं ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक गुरुद्वारा घूम चुका हूँ, वो देखने के लिए आप मेरी गुरुद्वारा वाली प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करें। ये गुरुद्वारा लोकेटेड है चंपावत के खूबसूरत वादियों में, और आसपास और भी बहुत सारे लोकेशंस है देखने के लिए। यहाँ से नियरेस्ट हिल स्टेशन है पिथौरागढ़। मैं पिछले 1 हफ्ते से उत्तराखंड एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उत्तराखंड की बहुत सारी ब्लॉग बना चुका हूँ। आप मेरी उत्तराखंड वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ऑफ रोडिंग का शौक हो तो आप दांतू विलेज तक ड्राइव कर सकते हैं, और हाइकिंग करनी हो उत्तराखंड का एपिसोड हमारा यही खत्म होता है। और जाने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। उत्तराखंड से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई जगह एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते।